पहली इकाई हे मातृभूमि, कक्षा आठवीं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ, मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि कहते हैं, माँ मेरी मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता हूँ। जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस ढोल को मैं तेरी नीज शीश चढ़ाऊं। कवि कहते हैं, इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है, ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको चरण दबाऊं। कवि कहते हैं, हे माँ समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा मैं तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊ। कवि कहते हैं, माता मैं हर तरह भेदभाव त्याग कर तेरी दो।
मातृभूमि के चरण धोने वाला समुद्र। प्रश्न 4, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। सेवा मैं तेरी, बलिदान में जाऊँ। इसका उत्तर है, सेवा मैं तेरी माता, मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा, प्रतिदिन सुनू सुनाऊँ, तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, पूर्ण विराम, राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया। 2, अर्ध विराम, शालू बच्ची थी पर मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। 3, प्रश्न सूचक चिन्ह, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। 4, योजक चिन्ह, दिन भर बरी दौड़ धूप रही। 5, विस्मय सूचक चिन्ह, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊ। 6, इकहरा उदाहरण चिन्ह, रामकुमार जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा। 7, दोहरा उदाहरण चिन्ह, राजा ने पूछा तुमने क्या किया दानों का। 8, निर्देशक चिन्ह, सच यही कहा गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा। शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। उत्तर, नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था पर गांव में 8वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल ही नहीं था। उसके माता पिता ने नेहा का शौक देखते हुए उसे आगे पढ़ने के लिए पास के कस्बे में भेजा। नया स्कूल नेहा को बहुत अच्छा लगा। विशेष रूप से वहाँ का ग्रंथालय, वहाँ हर विषय की ढेरों पुस्तकें थीं। कांच की बड़ी बड़ी अलमारियों में सजी पुस्तकें मानो नेहा को अपनी ओर बुलाती। जब भी अवसर मिलता वह पुस्तकालय के अध्यक्ष की अनुमति लेकर पुस्तक पढ़ने बैठ जाती। पुस्तकें पढ़ने की लगन के कारण उसने काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया था। वह अपनी कक्षा में भी प्रथम स्थान पर रहती थी। धीरे धीरे नेहा स्कूली पढ़ाई पूरी करके महाविद्यालय में पहुंची। अब नेहा का एक ही सपना था, अपने गांव के स्कूल में आगे की कक्षाएं बढ़वाना। वह हमेशा इसी दिशा में सोचती रहती। जागती आँखों द्वारा देखा गया उसका यह स्वप्न मानो एक पहेली था। कैसे वह अपना यह स्वप्न पूरा कर पाएगी, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है। नेहा अपने गांव के सरपंच से मिली और उसने उन्हें इस दिशा में सोचने को विवश किया। दूसरी ओर उसने अपने महाविद्यालय की प्राचार्य से भी इस विषय में चर्चा की। नेहा के प्रयास रंग लाए। प्राचार्य जी के प्रभाव से शिक्षाधिकारी नेहा के गांव में आए और अनेक लोगों से मिले। शीघ्र ही गांव के स्कूल को 10वीं तक की कक्षाओं की अनुमति मिल गई।